गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीएचडी में चैप्टर 6 सामाजिक उत्तरदायित्व चल रहा है। आज हम देखेंगे व्यवसाय का विभिन्न वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय से अनेक पक्ष जुड़े होते हैं, कौन कौन? अंशधारी, कर्मचारी, उपभोक्ता, ऋणदाता, आपूर्तिकर्ता, सरकार, विश्व। तो इनके प्रति व्यवसाय के क्या क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, इस बारे में आप तो आज जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, अंशधारियों के प्रति अंश दो प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। कंपनी के समता अंश जो लोग क्रय करते हैं वो अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो अंशधारी कहें या स्वामी कहें, एक ही बात है। तो अंशधारियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है, देखिए। उन्होंने जो पूंजी विनियोजित की है उस पूंजी को सुरक्षा प्रदान करना, जिस उद्देश्य के लिए पूंजी दी गई है उस उद्देश्य में ही उस पूंजी को उपयोग में लेना, समय पर लाभांश का भुगतान करना, अंशधारियों को यह सुनिश्चित कराना कि उन्होंने जो पूंजी विनियोजित की है वो उनकी पूंजी सुरक्षित है, कहीं डूबने वाली नहीं है, व्यवसाय की प्रगति की यथार्थ सूचना देना। जब भी अंशधारी कोई सूचना चाहे उनको सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो ये कुछ उत्तरदायित्व तो बनते हैं अंशधारियों या स्वामियों के प्रति। दूसरा देखिए, कर्मचारियों के प्रति दायित्व। कर्मचारियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व हैं? कर्मचारियों को के साथ मानवीय व्यवहार करना, समय पर उनके वेतन का भुगतान करना, जहां कर्मचारी कार्य करते हैं वहां की अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध कराना, कर्मचारियों के लिए कल्याण के कार्य करना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा आदि की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, यानी उनके साथ पूरी तरह से मानवीयता का व्यवहार करना। तो यह है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तु सही लागत पर, सही समय पर, सही स्थान पर उपलब्ध कराना, ग्राहकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, जहां तक हो सके प्रमाणित किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना, अनुचित नीतियों, कम मापतोल, हिसाब किताब में गड़बड़, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि नीतियों को न अपनाना, झूठे, अनैतिक और भ्रामक विज्ञापन न देना। ऐसा विज्ञापन नहीं देना चाहिए जो किसी वर्ग को, उपभोक्ता को, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करना, माल की कृत्रिम कमी उत्पन्न ना करना, नियमित उपभोक्ताओं को माल उपलब्ध कराना। तो ये कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं उपभोक्ताओं के प्रति। फोर्थ पॉइंट देखिए, ऋणदाताओं के प्रति। ऋणदाता जो व्यवसाय को ऋण देने का कार्य करते हैं उनके प्रति व्यवसाय के क्या दायित्व बनते हैं? ऋण की राशि का सदुपयोग करना, जिस काम के लिए ऋण लिया गया है उसका सदुपयोग करना, ऋण प्राप्ति और ब्याज की उचित शर्तें रखना, मूल पूंजी और ब्याज का सही समय पर भुगतान करना, बंधक रखी गई संपत्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना, ऋणदाताओं को इच्छित सूचनाएं अगर वो मांगना चाहे तो वो उपलब्ध कराना, ये कुछ दायित्व बनते हैं ऋणदाताओं के प्रति। अगला पॉइंट देखिए, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति। आपूर्तिकर्ता कौन होते हैं? जो माल की आपूर्ति करते हैं, माल की सप्लाई करते हैं। तो क्या क्या दायित्व देखें?
आपूर्तिकर्ताओं को माल का उचित मूल्य प्रदान करना, उनको यथासमय भुगतान करना, नए कच्चे माल की प्रस्तुति का अवसर प्रदान करना और बाजार संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना, ये कुछ दायित्व हैं आपूर्तिकर्ताओं के प्रति। अगला देखिए सरकार के प्रति दायित्व है। सरकार भी व्यवसाय से जुड़ी होती है, तो एक व्यवसाय के सरकार के प्रति क्या क्या दायित्व बनते हैं। सभी सरकारी नियमों और कानूनों की पालना करना, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनकी पालना करना, सरकार की नीतियों के अनुरूप अपने व्यवसाय का संचालन करना, राष्ट्रीय हित में देश के संसाधनों का विदोहन करना, सरकारी तंत्र को भ्रष्ट न करना, सरकार को समय पर करों का भुगतान करना, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना, ये कुछ दायित्व हैं जो एक व्यवसाय के सरकार के प्रति बनते हैं। अगला देखिए विश्व के प्रति उत्तरदायित्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अभिवृद्धि में वृद्धि करने में सहयोग प्रदान करना, अन्य राष्ट्रों की नीतियों में कोई हस्तक्षेप न करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक नैतिकता आचार संहिता नियमावली का पालन करना, अन्य देशों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान करना, पिछड़े राष्ट्रों में व्यवसाय या फिर उद्योग की स्थापना करना, ये कुछ दायित्व हैं विश्व के प्रति एक व्यवसाय के, जिनको व्यवसाय को पूरा करना चाहिए। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, बाकी कल की क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।